हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC बसों में बिना सफ़र किए सामान भेजने की सुविधा देने की शुरुआत तो निगम प्रबंधन ने की है, लेकिन HRTC के कर्मचारी ही इसके विरोध में उतर आए हैं। HRTC परिचालक निगम प्रबंधन के इस निर्णय के विरोध में है। HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद ने कहा कि अब लोग HRTC बसों में व्यावसायिक व घर का सामान भी ले जा सकते हैं और भेज सकते हैं, जिसका वजन के आधार पर टिकट लगेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय HRTC प्रबंधन द्वारा बिना सोचे समझे लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी बसों में कूली ही सामान उतारते और चढ़ाते थे, और अगर कहीं सामान भेजते थे तो कूली साथ जाता था। उन्होंने प्रदेश सरकार और HRTC प्रबंधन से कूली का प्रावधान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस में सामान की जिम्मेदारी परिचालक की नहीं होनी चाहिए। HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद क्या बोले, सुनिए विस्तार से। मैं कृष्ण चंद, प्रांतीय प्रधान, स्टेट HRTC कलेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश। आज ये बैठक बुलाई गई है, क्या डिस्कशन हो रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया से आए हुए मेरे बंधु, मैं कलेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी कलेक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश की बैठक हुई। बैठक में प्रचालकों की वेतन व्यवस्था को लेकर के जो मुद्दा था काफ़ी गर्माया, और परिचालकों द्वारा एक सुर में आवाज़ उठाई गई कि हिमाचल सरकार द्वारा हमें 6 महीने का समय जो है दिया गया था, कि 6 महीने का समय हमें जो है वेतन विसंगति का हल निकालने के लिए दिया जाए, लेकिन 6 महीने का समय से ज़्यादा होने पर आज परिवहन निगम का परिचालक उजागर हुआ है और अपने वेतन विसंगति को लेकर के फिर जो है अपनी मांग को लेकर के प्रबंधन व सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तथा प्रबंधन द्वारा जो 21 तारीख को परिवहन निगम में निगम की बसों में सामान को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी जो परिचालकों के ऊपर सौंपी है, उसका भी परिचालक यूनियन हिमाचल प्रदेश इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है, क्योंकि जो सामान परिवहन निगम की बसों में आएगा और जाएगा उसकी जिम्मेदारी जो है निगम के परिचालकों की नहीं होनी चाहिए। अगर सामान जैसे कि पहले भी जाता था और आता था, उसके लिए जो है बस में एक प्रबंधन द्वारा कुल्ली का प्रबंध किया जाता था, वही उसकी देखभाल करता था और कुल्ली ही उस सामान को ले जाने और लाने के लिए उसकी भूमिका निभाता था, तथा मैं आप मीडिया से आए हुए मेरे बंधु, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज बैठक में यह भी परिचालकों द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर बस में यात्री यात्रा कर रहा हो और अपनी टिकट जो है गुम कर देता है, और टिकट गुम करने पर परिचालकों को दोषी ठहराया जाता है, उसके ऊपर भी हाउस द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर यात्री अपनी टिकट जो है गुम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है यात्री की होनी चाहिए, या नहीं लेता है तब भी उसकी जिम्मेदारी जो है यात्री की होनी चाहिए, जिससे निगम की आय भी बढ़ेगी और जो करप्शन होगी उस पर भी अंकुश लगेगा। गौर हो कि HRTC की नई रेट लिस्ट के अनुसार 70 प्रकार के सामान का जिक्र किया गया है, जिसका अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। नई सुविधा के अनुसार आप HRTC बस में सब्जी, फल, फूल सहित ऑफिस और डाइनिंग चेयर, टेबल, सोफा सेट, बेड बॉक्स और अलमारी भी ले जा सकेंगे।
हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।